हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 3 मई और बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरी चौथी वीडियो है जिसमें हम रोज करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, जो आपके एचपीएसएसबी, एचपीपीएससी या फिर आप कोई नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहते हैं। एमसीक्यूज फॉर्मेट होगा तो साथ साथ आपको आंसर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉसिल ऑफ 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड ट्री हैज गॉट रिसेंटली। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हाल ही में ही जो है एक 25 करोड़ साल पुराने पेड़ का जीवाश्म मिला है। आपने ये न्यूज आई थिंक पढ़ी भी होगी। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है शिमला, अगर आपसे जिला पूछा गया है। ठीक है, शिमला के खड़ा पत्थर में, अगर आपसे स्थान पूछते हैं तो आपको खड़ा पत्थर टिक करना है। खड़ा पत्थर में जो है ये मिला है और रोहडू के वन विभाग ने जो है इसे ढूंढा है। अगर बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की तो 15 फीट जो है इसकी लंबाई है और 8 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका फॉसिल है जो पेड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर डिड द 2 डे महासू मेला बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। 2 दिवसीय महासू मेले का आयोजन हाल ही में ही जो है वो कहां पर किया गया, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि महासू मेला जो है कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिमला, शिमला के कोटखाई तहसील के महासू गांव में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो तहसील भी आपको पता होनी चाहिए, बाकी जिला तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट प्लेस इज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में मतलब होता है, उसमें हिमाचल प्रदेश को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहां पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपका नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के बारे में फॉर्मेशन, कौन इसका चेयरमैन है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है आपकी करंट अफेयर वाली ही तो उसे जरूर देखिएगा। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश को स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है फर्स्ट। ठीक है, इसके साथ हिमाचल प्रदेश के साथ साथ केरला को भी हुआ है, आगे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अगर बात करें एसडीजी इंडेक्स स्कोर की, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं एसडीजी को, तो इसमें जो इंडिया का टोटल रैंक है वो 57 है। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, फर्स्ट नंबर पे हिमाचल प्रदेश और केरला दोनों जो है फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से एक ही ऑप्शन आता है तो आपको एक ही टिक करना है, कई बार दोनों ही आ जाते हैं तो आपको टिक करना है केरला, अगर आपसे इनमें से पूछा जाता है। बात करें अगर केरला की तो देखिए, केरला ओवरऑल टॉप रैंक 69, ठीक है, इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ, ठीक है, रिड्यूसिंग हंगर, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। तो इस चीज के ऊपर, इस चीज के बेस पर जो है केरला को फर्स्ट लिया गया है। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ा ऊपर रखा गया है। तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको केरला टिक करना है। ठीक है, बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की तो इसने रैंक हाई किया है विद अ सिमिलर ओवरऑल स्कोर इन प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन और क्लीन वाटर में, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज एंड प्रिजर्विंग द माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश ने पहला रैंक। अगर आपसे हिमाचल प्रदेश पूछा जाता है तो आप रैंक करोगे फर्स्ट टिक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल किसमें रैंक किसने हाई किया है तो वो क्या है आपका केरला। ठीक है, तो ये आपको टिक करना है। बाकी देख सकते हैं आप, अगर बात करें यूटी की तो उसमें है चंडीगढ़ आपका, बाकी का भी स्कोर आप देख सकते हैं। अगर आपने पूरा इंडिया का पूछा जाता है आपका कि इंडिया का कितना है, ठीक है, तो वो है आपका 57। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। ठीक है, जो थर्ड पिलर ये बुक है, ठीक है, इसके लेखक जो है वो कौन है इन चारों में से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट रघुराम राजन। इंपॉर्टेंट है जो बुक्स वगैरह होती है उसका आपको जरूर पता होना चाहिए, जो रिसेंटली लॉन्च बुक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पास्ड अवे ऑन अप्रैल फर्स्ट, नेम दैट पर्सन। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन थे फर्स्ट, उनका हाल ही में ही निधन हुआ है, तो उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आप आंसर दीजिएगा। अगर आपको पता भी हो चाहे नहीं पता हो, एक तरह से आपकी जो है तैयारी ही होगी। ठीक है, और एक तरह से जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं उस तरह से आपको आदत पड़ जाएगी। तो इनका जो नाम है वो है बी सुभाषन रेड्डी। ठीक है, रेड्डी से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Which scheduled commercial bank has launched a specialized current account for the exporter community? Title just a dollar account. ठीक है, इस अकाउंट को किसने जो है ये नया अकाउंट जो है हाल ही में लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है just a dollar account? कौन से बैंक ने लॉन्च किया है ये? तो वो किया गया है फर्स्ट लक्ष्मी विजय बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
विच नेशनल गवर्नमेंटल होल्ड द ग्रांट असेंबली विच कॉल्ड लोया जिरगा टू डिस्कस द वॉर एंड यूएस अफोर्ड्स टू फॉर अ पीस डील विद द तालिबान। ठीक है, किस राष्ट्रीय सरकार ने महासभा का आयोजन किया है जिसके युद्ध के बारे में चर्चा करने के लिए लोया जिरगा, ठीक है, कहा गया और अमेरिकी तालिबान के साथ शांति समझौते के प्रयास किए गए। लोया जिरगा ये जहां पर हुआ है, ये हुआ है आपका दोहा, ठीक है, जो कि है कतर की राजधानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टेलीकॉम कंपनी इज नॉट इन इंडिया टॉप थ्री लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनीज, कौन सी दूरसंचार कंपनी भारत की शीर्ष तीन सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से नहीं है। तो इसका आई थिंक आप अंदाजा लगा लोगे, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बीएसएनएल, भारत संचार निगम, आई थिंक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पहले हिमाचल वाले, जब हम हिमाचल के बारे में बात कर रहे थे, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द कंपोजिट इंडेक्स ऑफ द एसडीजी इंडिया इंडेक्स बाय नीति आयोग। ठीक है, तो इसमें किसने पहला स्थान हासिल किया है, तो वो क्या है आपका केरला ने। ठीक है, बाकी अगर आपसे हिमाचल वाले में पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पाकिस्तान बेस्ड पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट इन यूएन सैंक्शंस लिस्ट इन अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने किसको जो है पाकिस्तान स्थित किस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या है मसूद अजहर को। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया बहुत बहुत लंबे समय से चाहता था कि इसको आतंकवादी घोषित किया जाए बट नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर वाज साइबर एक्सरसाइज ऑन सिनेरियो बिल्डिंग्स एंड रिस्पांस ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल। अप्रैल में साइबर बिल्डिंग और परिदृश्य पर साइबर व्यायाम कहां पर आयोजित किया गया, ठीक है, तो वो किया गया आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स IAF। ठीक है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां वगैरह होती हैं ये आपको सभी पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप 6 महीनों के करंट अफेयर कर रहे हो, आप किसी एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो, आप 6 महीने 7 महीने के प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप नोट्स फॉर्मेशन करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए पर्सन इन न्यूज, ठीक है, तो 6 महीनों में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है उनको अलग नोट कर लीजिए, फिर साइंस के जितने अलग बनते हैं तो वो अलग नोट कर लीजिए, ठीक है, इकोनॉमी के जितने बनते हैं वो अलग नोट, तो बेस्ट वे रहेगा आपके रिविजन के लिए, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आपकी कंफ्यूजन भी थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, बाकी मैं भी मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं जरूर आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, ये बने हैं आपके नए वाइस चीफ और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो किया है अनिल खोसला को। ठीक है, तो प्रीवियस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज आर इंक्लूडेड इन द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल लिस्ट 2019। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समय के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2019 की जो सूची है उसमें शामिल है, तो ये आपके सारे ही शामिल हैं, अरुंधति, ठीक है, और मुकेश अंबानी हो गए, ठीक है, ये सभी जो है तीनों आपके शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुंगम कन्नन वो पास्ट अवे रिसेंटली, वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ठीक है, चार यहां पर आपके पास खेल दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फुटबॉल। ठीक है, और ये जो बिलोंग करते थे वो करते थे आपके तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडियन कंपनी हैज एक्वायर्ड फिलिपिनो पर्सनल केयर फर्म स्प्लैश, किस भारतीय कंपनी ने फिलिपिनो पर्सनल केयर फर्म स्प्लैश का अधिग्रहण कर लिया है, तो वो क्या है आपका थर्ड विप्रो ने। ठीक है, विप्रो की अगर बात करें तो इसको फाउंडेड किया गया था 1945 में। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है इसका वो बेंगलुरु में है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेयरमैन कौन है इसके, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो है आपके अजीत प्रेम जी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज सेट अ न्यू जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स राइज्ड इन अ सिटी फॉर 24 आवर्स। ठीक है, किस शहर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि उसने सबसे ज्यादा फ्लैग 24 घंटे के लिए जो है ध्वज अपने राष्ट्रीय ध्वज को लहराया है, तो वो करा है ब्यूरट ने। ठीक है, ये है आपकी लेबनान की राजधानी, नेशनल कैपिटल ऑफ लेबनान, और इन्होंने जो झंडे फहराए हैं वो फहराए हैं 26,852। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इग्नू हैज लॉन्च्ड एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन जीएसटी इन कोलैबोरेशन विद विच स्टॉक एक्सचेंज. किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोलैब करके जो है एक जीएसटी जागरूक कार्यक्रम इग्नू ने शुरू किया है, तो वो किया है आपका बीएससी के साथ मिलकर, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द 45 डेज माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन. ठीक है, 45 दिनों का माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन जो है वो किस कंट्री ने शुरू किया है, तो वो किया गया है नेपाल के द्वारा. तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ.